हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष पांडे। मैं अपने चैनल UiPathRPA में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एक्सेल ऑटोमेशन के बारे में। एक्सेल ऑटोमेशन में कैसे एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप एक्टिविटी का यूज कैसे करें, राइट सेल एक्टिविटी का यूज कैसे करें, एक्सेल फाइल कैसे क्रिएट करें UiPath में, और एक एक एग्जाम्पल देखेंगे हम हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड राइट इन टू एक्सेल फाइल इन UiPath। तो चलिए मैं पहले आपको एक डेमो दिखाता हूँ। देखिए, पहले से मैंने एक ऑलरेडी यहाँ बना रखा है, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करके। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपने डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर नेम एंड एज। चलिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सुरेश गुप्ता एंड एज 59। ओके, और मैं ओके करता हूँ। उसके बाद अभी क्या होगा, जो हमने यहाँ मेंशन किया है यहाँ पे, अगर ये अवेलेबल है उस लोकेशन पे, तो ये वहाँ पे जाके ये डिटेल वहाँ पे राइट कर देगा, और अगर ये एक्सेल फाइल नहीं है तो एक्सेल फाइल को क्रिएट कर देगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो लोकेशन है वहाँ पे क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये है लोकेशन जो जहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। चलिए इसको ओपन करते हैं हम और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे A1 जो कॉलम यहाँ पे है A1 में, यहाँ पे ये ऐड हो गया सुरेश गुप्ता एंड एज 59। ठीक है, देखा आपने, इस तरह से हम यूजर से जो भी डेटा हम लेंगे वो एक्सेल में हम राइट कर सकते हैं, आउटपुट वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे ये करेंगे। चलिए मैं एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, या यू कैन से नया सीक्वेंस लेता हूँ मैं यहाँ पे। सीक्वेंस में हम लिखते हैं एक्सेल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। ये एक नया यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया, एक नया सीक्वेंस आ गया यहाँ पे। तो हमारा जो ये एग्जांपल है जो हम लेने वाले हैं, इसमें क्या है कि पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसमें स्टोर करवाएंगे, और उसके बाद हम एक्सेल फाइल में स्टोर करेंगे उस वैल्यू को। तो चलिए पहले हम इनपुट बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट। चलिए यहाँ पे आ गया इनपुट डायलॉग, इसको हम लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डालते हैं सीक्वेंस के अंदर। और यहाँ पे हम टाइटल में लिख देते हैं एंटर योर नेम एंड एज। ठीक है, और लेबल में लिख देते हैं हम यहाँ पे प्लीज एंटर योर फुल नेम एंड रियल एज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ये दोनों हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे एक मिस हो रहा है एज में जी। और अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ताकि जो भी यूजर पास करेगा यहाँ से वैल्यू, वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं नेम एज, ये वेरिएबल हो गया। यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि हम एज और नाम जो नेम है वो दोनों एक ही वेरिएबल में स्टोर कराने जा रहे हैं, इसलिए हम स्ट्रिंग ले लेंगे। और जो रिजल्ट आता है यहाँ पे आउटपुट, उसमें हम नेम एज के जो वेरिएबल है वहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ तक क्या हो गया, हमने इनपुट ले लिया यूजर से। अब हम क्या करना है, हमें एक्सेल फाइल में उस जो वैल्यू यहाँ से जो यूजर पास कर रहा है उसको हमें स्टोर कराना है। तो उसके लिए हमें, अगर एक्सेल में स्टोर करना है तो उसके लिए एक एक्टिविटी है एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप, ये आता है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एन एक्सेल वर्कबुक प्रोवाइडिंग स्कोप स्कोप फॉर एक्सेल एक्टिविटीज व्हेन दिस एक्टिविटीज एंड द वर्कबुक एंड द एक्सेल एप्लीकेशन आर क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे
if the specified file does not exist, a new Excel file is created. मतलब बता रहा है कि ये हम जब तक इसका जो यहाँ जहाँ तक स्कोप रहेगा वहीं तक एक्सेल फाइल में हम काम कर सकते हैं, उसके बाद ये एक्सेल फाइल का काम क्लोज हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि अगर जो हमने फाइल एग्जिस्ट वहाँ पे जो हमने टाइप किया है, जो स्पेसिफाई किया है, अगर वो नहीं है तो एक नया क्रिएट कर देगा और जो वैल्यू है वहाँ पर राइट कर देगा। ठीक है, तो एक्सेल पे काम करने के लिए हमें ये एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप चाहिए, जो जो कि आपको यहाँ पे ऐप इंटीग्रेशन के अंदर एक्सेल के अंदर ये आता है। ठीक है, आप इसको उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और यहाँ आ रहा है ऑप्शन में वर्कबुक पाथ, टेक्स्ट मस्ट बी कोटेड। जो भी आप पाथ दोगे एक्सेल फाइल का वो डबल कोटेशन के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं और आप यहाँ से ब्राउज करके जहाँ पे आपको एक्सेल फाइल रखना है आप रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। एक चलिए एक नया एक्सेल फाइल का नाम देते हैं और ये क्या होगा, ये अवेलेबल नहीं है हमारे फोल्डर लोकेशन पे, तो ये नया क्रिएट कर देगा। तो एक्सेल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट डॉट एक्सेल एसएक्स। और एक और चीज़ ध्यान हमें रखना है कि हमें इस फाइल को डबल कोटेशन के अंदर रखना है। ठीक है, और यहाँ डू में है कि आपको इस एक्सेल फाइल के अंदर आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हमें इस एक्सेल फाइल में जो भी वैल्यू हमें मिला है वो उसको यहाँ पे राइट करना है, हमें लिखना है वहाँ पे। ठीक है, तो हमें राइट करना है तो उसके लिए एक राइट सेल एक्टिविटी आता है जो वर्कबुक के अंदर जाएगा उस एक्सेल के अंदर, और वहाँ पे जो सेल है वो सेल के अंदर उसको राइट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐप इंटीग्रेशन एक्सेल के अंदर एक राइट सेल एक्टिविटी आता है, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डू के अंदर डाल दो। अब देखिए यहाँ पे राइट सेल के अंदर यहाँ पे एक सीट, मैं आपको पहले डिलीट मारता हूँ, यहाँ पे यहाँ है राइट सेल के अंदर सीट नेम, इसका मतलब जो भी वैल्यू आपको मिला है वो कौन से सीट के अंदर आप इसको राइट करना चाहते हो। तो अगर ये हमारा जो फाइल नेम है ये हमने पहली बार यहाँ पे डाल रहे हैं ये, तो ये क्या होगा, क्रिएट होगा। जब ये क्रिएट होगा नया तो बाय डिफॉल्ट सीट वन ही आता है, तो आपको यहाँ पे सीट वन आप डाल दो यहाँ पे। ओके, अदरवाइज आपने सीट का नाम चेंज कर रखा है, कोई दूसरा सीट आप वहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन ये भी डबल कोटेशन के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे है रेंज, रेंज आप कौन सा रेंज पे, जैसे A1, A2, A3 कहाँ पे आपको वैल्यू को राइट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे B5 में ये वैल्यू यहाँ पे राइट करना है। अब देखिए अब यहाँ पे है अ वैल्यू और ए फार्मूला, टेक्स्ट मस्ट बी कोटेड, मतलब जो वैल्यू आपको राइट करना है एक्सेल सेल में वो डबल कोटेशन में होना चाहिए। तो वैल्यू हमारा क्या है, वैल्यू हमारा है ये जो यूजर पास करेगा यहाँ पे नेम एज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ हम लिख देंगे यहाँ पे नेम एज। तो ये जो वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है वो इस सेल में राइट कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ आपको दिखेगा यहाँ लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर फुल नेम एंड रियल एज। चलिए यहाँ लिखते हैं सोहन प्रकाश शर्मा। ठीक है, एंड एज 35। ठीक है, ओके करते हैं। अभी क्या होगा, यहाँ पे ढूंढा इसने कि एक एक्सेल फाइल नहीं है, तो इसने एक प्रोजेक्ट जो यूआई पाथ है उसने एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर दिया उस नाम से, और इसमें देखते हैं। और यहाँ देखिए B5 हमने क्या किया था, वहाँ पर रेंज हमने सिलेक्ट किया था B5। ये देखिए B कॉलम है और ये 5 सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं B5 है। तो B5 में जो भी वैल्यू है यहाँ पे स्टोर हो चुका है, और यहाँ पे सीट का नाम है वो सीट 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए
ये यहाँ पे इस सीट में B5 रेंज के अंदर ये राइट हो गया है। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। पहले तो हमारा ये सीक्वेंस हमने लिया था, सीक्वेंस में एक डायलॉग बॉक्स ले लिया। यहाँ से क्या होगा, यूजर से इनपुट लेगा और हमने जो जो भी वेरिएबल यहाँ क्रिएट किया है उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप एक्टिविटी लिया है ताकि जो भी एक्सेल का जो काम होगा वो इसी एक्टिविटी के अंदर होता है। इस स्कोप के अंदर हमने एक वर्कबुक पाथ फाइल नेम ले लिया है, फिर डू के अंदर हमने एक राइट सेल ले लिया है ताकि वो जाकर राइट करेगा उस वैल्यू को। यहाँ पे सीट वन, यहाँ देखिए ये सब कुछ आपको यहाँ पे मतलब सब कुछ सही क्लियर से बताया गया है कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पे जैसे यहाँ सीट नेम है तो आप सीट नेम आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ रेंज लिखा हुआ था तो आप यहाँ रेंज डाल सकते हैं। ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको डबल कोटेशन में डालना है, आपको यहाँ पे ये नहीं कि आपका एरर आ जाएगा। अगर आप सही से जो भी यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ डबल कोटेशन होना चाहिए तो आप डबल कोटेशन डालो तो कोई भी एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे भी लिखा था कि वैल्यू या फार्मूला आप यहाँ डाल सकते हो। तो अगर हम वैल्यू डालना है तो हम डबल कोटेशन के अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो वहाँ पे राइट हो जाएगा। और हमारा वेरिएबल है तो हमने वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रखा है तो ये वेरिएबल यहाँ पे हमने ले लिया। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट ये UiPath में एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप एक्टिविटी काम करता है और राइट सेल एक्टिविटी राइट करता है एक्सेल फाइल में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।